और ये मत सोचना कि गोप्रो कैमरा लेने के बाद बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ख़त्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि कैमरा लेने के बाद, गोप्रो लेने के बाद आपका जो खर्चा है वो एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि। तो ये है मेरे कैमरे का कुछ सामान। दोस्तों आजकल आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं थोड़ा कंटेंट चेंज करूं, तो एक्चुअली आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए मुझे भेड़ बकरी पालन करना पड़ता है, पशुपालन जो है उस पर मैं बहुत ज़्यादा निर्भर हूँ। और आप लोग जानते ही हैं मेरा जो स्वरोज़गार है वो बकरी पालन है। बाकी आपको मेरी वीडियो में मेरे डॉग से दिखते हैं। जब तक पशुपालन मैं कर रहा हूँ तब तक जो है मेरे लिए और चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल है। आप लोग ज़्यादातर मेरी वीडियो से वाकिफ़ होंगे। मैं आप लोगों को बाहर के ब्लॉग जैसे कहीं पे एक्सप्लोर करना, या पीछे मैंने पटेलिया नर्सरी आपको दिखाई थी, तो आजकल वो सब नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा जो पशुपालन है उस पर मुझे ही ध्यान देना पड़ता है। और पशुपालन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप जो है पार्ट टाइम नहीं रख सकते। और मैंने काफ़ी कोशिश कर ली है, कई लोगों से कॉन्टेक्ट कर लिया है, मतलब पैसे दे किसी से बकरी पालन कराना हो तो ऐसे में लोग नहीं मिल रहे हैं। और जो मिल रहे हैं उनका एक वो है, मतलब कि अगर 10-12 हज़ार में मिलेंगे तो हम ये सब कर सकते हैं। तो जो बंदा बकरी चराने के लिए अगर 10-12 हज़ार में सैलरी दे दूंगा तो मैं खुद जो है क्या कमाई करूंगा उसमें। कोशिश तो रहती है आपके लिए नया नया कंटेंट लाने की, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लाने के, लेकिन थोड़ा अपना भी देखना पड़ता है, घर की कंडीशन और जो भी चीज़ें मैंने रखी है, जो भी चीज़ों को मैं यहाँ पर स्वरोज़गार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाजिर हूँ मैं फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सक्षम, अमन और उनके दादा दादी दिल्ली गए हुए थे, तो कल घर आ गए हैं वापसी। और कई सारी चीज़ें जो है आई है, जो मेन चीज़ें थी उनमें वो थी मेरे डॉग्स की दवाई, मेडिसिन, क्योंकि कैप्टन को पीछे जो पॉइजन हो गया था उसकी वजह से वो काफ़ी वीक हो गया है, तो उसके लिए कुछ मल्टीविटामिन वगैरह मंगवा रखे हैं। उसके खान पान पर भी खासा ध्यान मैं दे रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने अपने कैमरे की कुछ ऐसा सीरीज़ मंगा रखी है। फिलहाल हम अपना आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और ये देखो मेरे सबसे खूबसूरत नज़ारा। और बारिश जो है बहुत ख़तरनाक आ गई है लगभग, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रही है। और आजकल मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेरे घर में थोड़ा फैलाव ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक किचन और इधर को बाथरूम वगैरह बनाने का हमने सोच रखा है, उसका आधा काम हो गया है, कुछ रह गया है। तो अभी आप ये देखो यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, क्योंकि ये पत्थर काम आएंगे यहाँ पे चिनाई करने में, यानी बाथरूम वगैरह बनाने में। और उसके लिए जो छत डलेगी उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मेरे घर का इस साइड का एरिया है यहाँ पे ये लकड़ी रेता वगैरह जो है रखा हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों को वीडियो में ऐसा लगता हो कि यहाँ पर कितना कूड़ा कबाड़ा हो रखा है। कूड़ा कबाड़ा नहीं, ये थोड़ा काम की चीज़ें हैं, जब तक ये काम निपटता है। तो जो लोग पहाड़ों में मकान बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसे ही ये काम निपटता है फिर मैं घर को पेंट वगैरह कराने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है घर पे पेंट कराए हुए। और ये बारिश का सीज़न एक बार निकल जाए तो घर को, जैसे दिवाली के टाइम में मैं पेंट कराऊँगा, दरवाज़ों पर भी पेंट करवाना है, कई काम हो रखे हैं। हेलो, कब जहीं जाते हो दिन बैठी दिल्ली? अरे के दे आके लोग गैड दे आके कद का गैड चाहिए गाड़ी बंडा मिलके मिलके सन बैट बैट बॉल आई। अम्मी का बैट बॉल को ले आई, मी मिठाई को ले आई, मी और कपड़ा को ले आई, मी और कैमरा का सामान को ले आई, मी साहब बस अब बाटे तो पाके दे। आहा
वो तो आप लोग काफी मिस कर रहे थे सक्षम से उतने दिन से वीडियो में, है ना। हेलो बोल दे, हेलो सभी को, हेलो कह दे, हेलो नमस्ते बोल दे, नमस्ते, जय हो। जय हो। गाना तो सुना दे, घसेरी गाना सुना। लोग बना चाहिए कि सक्षम बंटे दिन बट गाना नहीं सुना रही, गाना सुना दे। ना ठंडोरे प्योली सी ना न्या नहीं सुना, नहीं हारिम बजा, नहीं कन बजन दी, टिंटा कन बजन दी, टिंटा टिंटा। सो गाइस, हमें लग रहा था कि बारिश का मौसम लगभग निकल चुका है, अब बारिश शायद ही हो, लेकिन ये देखो क्या सुहाना मौसम हो रखा है, और ये पीछे बैकग्राउंड में देखो क्या कोहरा लगा है, क्या शानदार सीन जो है ये सामने दिख रहा है। हाँ हाँ, और इस बार अगर कहीं पे गदेरे आए, छोए आए, तो वहाँ पे मैं ज़रूर जाऊँगा आप लोगों को दिखाने, कितना सुंदर नज़ारा होता है। और लग रहा है ज़रूर गधेरे जो है उफान पे आने वाले हैं, जिस हिसाब से कल रात से बारिश हो रही है। तो ये है मेरे कैमरे का कुछ सामान, और ये है मेरे कैप्टन और रॉकी के लिए कुछ मेडिसिन है, कुछ जो भी है वो आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल इनकी अनबॉक्सिंग करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ सामान आ रखा है, तो सबसे पहले ये है एक पोटली, ये है कैप्टन के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम की दवाइयाँ, उसका सोप और क्या कहते हैं शैम्पू वगैरह। और इसके अलावा अब जो मेरे गोप्रो से रिलेटेड जो ऐसा सीरीज है वो मेरी मंगा रखी है। कई लोग मुझे पूछते हैं आप कौन से कैमरे से वीडियो बनाते हो, तो मेरा गोप्रो 9 है। और कई लोगों को ये भी लगता है क्योंकि मेरे चैनल से कई ऐसे भाई बंधु जुड़े हैं जिनके नए चैनल हैं और ब्लॉगिंग करते हैं, लगातार उनके कमेंट्स रहते हैं, अलग अलग क्वेरीज रहती है इंस्टाग्राम पे, खासकर मुझे मैसेज आते हैं कि आप कौन सी ऐसी सीरीज यूज़ करते हो। तो गोप्रो, जैसा कि मैंने बताया, मेरा गोप्रो 9 कैमरा है, और ये मत सोचना कि गोप्रो कैमरा लेने के बाद बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ख़त्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि कैमरा लेने के बाद, गोप्रो लेने के बाद आपका जो खर्चा है वो एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि इसके साथ इसका जो माइक है वो बहुत स्लो है। अगर आपको माइक लगाना है इस पर, कुछ एक्सटर्नल माइक अगर यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको मीडिया मोड लेना पड़ेगा। जो गोप्रो 9 से नीचे के वेरिएंट है, गोप्रो 5, 6, 7, 8 तक, उसमें अडाप्टर आते हैं, वो लग जाते हैं। अडाप्टर आपका 4,000 के अराउंड पड़ जाता है। मीडिया मोड अगर आप लेते हो तो मुझे 8,300 का इसका मीडिया मोड पड़ा है खाली, और इस पर जो माइक लगते हैं वो अलग हैं। और गोप्रो का जो लेटेस्ट वेरिएंट आया है, यानी गोप्रो 10 और गोप्रो 9, इसमें आपको मीडिया मोड अलग से लेना पड़ेगा। कुछ और जुगाड़ भी आते हैं सस्ते, लेकिन मैं सस्ते चीज़ यूज़ नहीं करता। और उसके बाद जो मेरा बोया का माइक था वो डैमेज हो गया था, तो ये जो है जो वायर वाला बोया माइक होता है इसमें वो है। इसमें मेरे गोप्रो के जो टेम्पर होते हैं लेंस पे और डिस्प्ले पे लगाने का, वो है इसमें। तो ये पड़े हैं मुझे, ये जो तीनों आइटम मुझे पड़ी हैं, ये पड़े हैं मुझे 2,000 के अराउंड। और एक जो आइटम मैंने खोल ली है, ये मेरे लिए सबसे मेन था, तो सुबह मैं इसका वेट नहीं कर पाया, ये है हैंडलर। तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लंबा हैंडलर होता है ये है इसमें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है जब आप किसी अच्छी जगह पे शूट कर रहे हैं, जैसे दीवा का मंदिर हो गया या कहीं पहाड़ी पे आप शूट कर रहे हैं, तो ये बढ़िया व्यू देता है, तो ये मुझे चाहिए था। अब मैं खोल के देखता हूँ इस माइक को, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है। और जो मैंने इसके टेम्पर्ड ग्लास मंगा रखे हैं गोप्रो 9 के, तो जो डिस्प्ले है इसकी बड़ी वाली, वहाँ पे नहीं लगता, क्योंकि वो फिर डिस्प्ले उतनी अच्छे से काम नहीं करती। इसका लेंस बहुत महंगा आता है, तो उस पर टेम्पर्ड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों, कई बार आप लोग पूछते हो कि गोप्रो कितने का पड़ेगा, जब मैं बताता हूँ कि मुझे तो 46,000 का सिर्फ गोप्रो पड़ा था, तो वो थोड़ा शौक हो जाती कि इतने महंगे जो है नहीं ले पाएंगे। तो गोप्रो 9 का अगर आपको मैं एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताऊँ, 20,000 के अराउंड पड़ेगा वो, तो DJI ओस्मो एक्शन कैमरा आता है। सारे फीचर लगभग, मतलब गोप्रो 9 को बहुत अच्छे से टक्कर देता है, सस्ता भी पड़ता है,
20-22 हज़ार मुझे लगता है ठीक ठाक पड़ जाएगा 45-46 हज़ार लगाने से, क्या पता अब इसका रेट गिर गया हो। लेकिन जब मैंने लिया था तो 46 हज़ार का मुझे GoPro 9 पड़ा था। तो जो ब्लॉगर भाई बंधु मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको सस्ता चाहिए तो YouTube पे सर्च करके देख लेना DJI Osmo करके एक्शन कैमरा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बजट में भी और बढ़िया भी। तो उसमें स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा मिल जाता है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स वगैरह सब कुछ आपको प्रॉपर मिल जाएगा उसमें। तो मैं खोल लेता हूँ अपना माइक, देखते हैं वही है या कुछ और है। तो फ्रेंड्स इसमें ये वाला माइक है बोया का M1 होगा ये। जी हाँ, वैसे तो मेरे पे माइक ऑलरेडी है जो बिना वायर का है, लेकिन ये वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा काम आता है। और बाकी मतलब अगर मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम आता है। तो चलो इसको बाहर निकाल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये पहले भी था मेरे पास, और मेरे पे नहीं, हर यूट्यूबर पे मुझे लगता है 99% यूट्यूबर पे ये वाला माइक होता ही है। तो ये है माइक, और 1000 रुपये इसकी कॉस्ट है, और काफ़ी लंबी वायर है। अगर आप दूर कैमरा रख के वीडियो बनाना चाहते हैं तो भी ये काम आता है। अब इसमें है मेरे कैमरे के टेम्पर्ड, मतलब जो लेंस पे लग जाएगा और फ्रंट डिस्प्ले पे लग जाएगा, बैक साइड की डिस्प्ले पे मैं नहीं लगाता क्योंकि फिर वो डिस्प्ले उतना अच्छा काम नहीं करती। ये जो है कैमरे की बड़ी डिस्प्ले के लिए है, ये कैमरे पे लगाने के लिए लेंस पे, ये छोटी डिस्प्ले पे। और इस बार इन्होंने डबल डबल दे रखी है, ये अच्छी चीज़ है जो कि मुझे फ्यूचर में काम आएगी। तो ये एक कपड़ा है जो साफ सफाई के काम आएगा, एक ये है, तो इनको भी जो है यूज करेंगे। तो पहले मैं इसको लगा लेता हूँ कैमरे पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर पहाड़ी जंक्शन चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।